यस, फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट बुक ऑर्गेनाइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेंथी एज वेल बट इंटरेस्टिंग टू. व्हेन आई टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आई हैव फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन माय सिलेबस, बट इन दैट फाइव फंक्शंस लिस्ट आई एक्सक्लूड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज अ सेपरेट फंक्शन, और यू कैन से एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. After business environment, we are having planning as the first function of management, whereby goals were being set and policies have been drawn. Strategies are to be made so that the goals can be achieved. After the objectives have been set, we arrive at the second function of management, which we call organizing. Aur iski definition ka crux maine yahan pe likha hai, it is a process of allocating the duties, this fixing the responsibilities and accountability. दो टर्म्स हम लोग करेंगे. एक तो ड्यूटी है, मीन्स उनको क्या क्या काम करवाना है वो उन्हें बताओ. फिर उनकी जिम्मेवारी बताओ उन्हें, which we call responsibility. And what is the meaning of accountability? Fix their answerability for the non-compliance of the job allocated to them. जो काम उन्हें दिया गया है अगर वो काम कंप्लीट नहीं होता तो उनसे पूछो. That is make them answerable. That is what we call accountability in this chapter. Basically, it is a process of establishing superior subordinate relationships. With the help of this organizing, everybody is having a clear cut idea कौन किसका boss है and to whom he or she is answerable. किसकी बात किसको माननी है. Definitely अपने immediate superior की बात सबको माननी है जो भी उसके under काम करते हैं. So this is what superior subordinate relationships are being established. That is the crux of the chapter. तीनों terms में जब आपको बता देती हूँ, authority देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ क्योर्स, सो दैट द गोल्स कैन बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बी अचीव्ड. तो डेफिनेशन खुद ब खुद बन जाती. क्रिएटिंग सच एन एनवायरमेंट वेयर बाय नोबडी इज फेसिंग एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, एवरीबडी इज हैविंग अ क्लियर कट आइडिया कि उसको क्या काम करना है. सुबह जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं, दे नो वेयर टू रिपोर्ट, दे नो कौन से बॉस के पास उनको जाके काम के बारे में पूछना है, या एक दिन पहले ही उन्हें अगले दिन का काम बता के भेजा जाता है, कल आते ही ये काम शुरू करना. दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजिंग. एंड यू नो ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट अ न्यू वर्ड, इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो वी यूज दिस वर्ड. व्हेन आई से ही इज एन ऑर्गेनाइज्ड मैन, शी इज एन ऑर्गेनाइज्ड लेडी, व्हाट इट मींस, उसकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई क्योस नहीं है. उस बंदे ने या उस लेडी ने अपने काम को पहले से एक लिस्ट बना के रखी है, वो कभी भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते काम के बर्डन के कारण, बिकॉज ही और शी इज ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, दे आर द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन. देन व्हेन आई यूज दिस वर्ड, दे ऑर्गेनाइज द पार्टी, बर्थडे पार्टी सो नाइसली, तो फिर आई एम यूजिंग अ वर्ड ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, मतलब सारी चीजें इतने सिस्टमेटाइज्ड वे में थी कि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई, कोई भी काम खराब नहीं गया, ईच एंड एवरीथिंग वेंट सो वेल. दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइज्ड. और जब मैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ, तो प्लानिंग में सिर्फ पेपर वर्क हुआ है, आपने पेपर पे ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, ऑर्गेनाइजिंग में अब आपने उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है. एंड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट देम, वी नीड द हेल्प ऑफ आवर वर्कर्स. Each and every worker of my organization should come to know what is his or her duty, and that is being done under what organizing. So you can well imagine to what extent this function is important. Can we skip this function and directly can we come at staffing? No. So in that regard, we have to tell our workers that what they are supposed to do and how the work is to be performed. Superior subordinate. रिलेशनशिप हर बंदे को पता हो, किसी के माइंड में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क, ताकि वो अपना काम सही ढंग से करें, इफेक्टिवली करें. काहे के लिए? इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग वाज देयर टू सेट द ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग इज देयर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. और जब तक आप बंदों में काम नहीं बांटोगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू डू द वर्क? इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, हर बंदा वेले रह के पैसे कमाना चाहता है. जब तक हम उनमें काम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दे विल नेवर वर्क हार्ड. सो इन ऑर्गेनाइजिंग यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डिवाइड द वर्क अमंग देम. नाउ डायरेक्टली आई एम कमिंग टू प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग.
पहला स्टेप कौन बोलेगा? बिल्कुल ठीक, आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क, या आपकी बुक में लिखता है आइडेंटिफाइंग या आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सो आर यू फेमिलियर विद डिवीजन ऑफ वर्क व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? हाउ द वर्क इज टू बी डिवाइडेड, अमंग हूम और बिटवीन हूम द वर्क इज टू बी डिवाइडेड, हूसोएवर आर एक्सपर्ट इन इट. और वर्क इज ऑलवेज टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क. जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है, ट्रेंड है, आप उसे ही वही काम करने को देंगे, ठीक है? किसी इनएक्सपीरियंस बंदे को काम नहीं देना, वो काम को बिगाड़ देगा, काम को करेगा नहीं. पहले जो जो काम करवाना है उसकी लिस्ट बनाओ, उसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क कहते हैं. फिर उस काम को अपने पर्संस में बांट दो, बिकॉज यू हायर्ड देम टू गेट द वर्क फ्रॉम देम. आपने उन्हें हायर ही इसीलिए किया है, आपने अपॉइंट ही उन्हें इसलिए किया है कि आपने उनसे काम करवाना है. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. डेफिनेशन में भी ये फर्स्ट लाइन थी, विल यू एग्री? सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन. अभी बताया मैंने डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ग्रुप्स बना दो और उस ग्रुप का एक लीडर बनाओ, उसके साथ उसके टीम मेंबर अटैच करो. दिस इज व्हाट वी कॉल डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब इसके बारे में टैगलाइन आपको लर्न करनी है और पेपर में आएगा आइडेंटिफाई द स्टेप. क्या टैगलाइन है? इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट. एक ही तरह की एक्टिविटी एक डिपार्टमेंट में डालो, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका हेड कौन होगा? फाइनेंस मैनेजर. और साथ में उसके पांच बंदे होंगे जो उसके टीम के मेंबर्स, वो उनको ऑर्डर करेगा. तो यहाँ पे सीनियर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश हो गया. देन समवन फ्रॉम दैट साइड वाज टॉकिंग अबाउट सेल्स डिपार्टमेंट. एक कौन सा डिपार्टमेंट बन जाएगा? सेल्स डिपार्टमेंट, जिसका हेड कौन होगा? सेल्स मैनेजर. उसके साथ भी पांच बंदों की टीम है. सो ही इज द सुपीरियर और जो पांच बंदे उसके साथ अटैच है वो जूनियर्स है. उन जूनियर्स को अपने सेल्स मैनेजर की बात माननी है, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू दैट डिपार्टमेंट. दिस इज व्हाट वी कॉल डिपार्टमेंटलाइजेशन. क्या डिपार्टमेंटलाइजेशन के बिना ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगी. 100 बंदे हैं, कहीं पे 100 बंदों को मैनेज करना और कहीं पे उन 100 बंदों को मैंने 10 डिपार्टमेंट्स में बांट दिया. 10-10 बंदों को मैनेज करना तो आसान है. यू आर गेटिंग मी? सो दैट्स व्हाई ही सेज मैनेजेबल ग्रुप्स. ग्रुप्स टू बी considered or to be established, but that should be manageable. And manageable की reference में यही पे एक concept हम discuss करेंगे, span of management. What was that? Number of subordinates which can easily be managed by a single manager. That concept is named as span of management. एक बंदे की कितनी ability है कि वो कितने बंदों को manage कर सकता है, that is span of management. ठीक है? तो unlimited persons तो नहीं एक बंदा manage कर सकता, ठीक? तो 8-10 बंदे, कितने बंदे मैं एक मैनेजर के अंडर रखूं, दैट इज व्हाट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है? जितनी ज्यादा बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, मींस कंपनी होगी, उतना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइडर होगा कि नैरो होगा? नैरो होगा, नैरो होगा. बिकॉज इफ इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव 1000 एम्प्लॉइज और एक ऑर्गेनाइजेशन में 5000 बंदे हैं, तो डेफिनेटली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? नैरो होता जाएगा. नैरो का मतलब क्या है? आपके अंडर काम करने वाले बंदों की नंबर बढ़ता जाएगा. सो दिस रिलेशनशिप आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमारी बुक में लेटर स्टेज में आता है, वी डिस्कस इट हियर ओनली. सो सेकंड स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन डन. थर्ड, ग्रुप बन गए. अब हर ग्रुप को कोई टास्क भी तो देना है, जैसे बिग बॉस के हाउस में टास्क दिए जाते हैं, तो यहाँ पे टास्क देने हैं जिसे हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. ग्रुप बन गए, सेल्स मैनेजर को क्या टास्क दिया जाएगा? दिस इज योर टारगेट सेल, इस क्वार्टर में तूने इतनी सेल करनी है. परचेस मैनेजर को क्या टास्क दिया जाएगा? दिस इज योर बजट, इतने में तूने ये रॉ मटेरियल खरीद के लेके आना है. दिस इज योर अमाउंट टू बी एलोकेटेड टू यू. दिस इज व्हाट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज डन. दैट इज आवर थर्ड स्टेप. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको आंसरेबल है, कौन किसका बॉस है, हर एक को पता होना चाहिए. कल को अगर काम कंप्लीट नहीं होगा तो हम किससे पूछेंगे? दिस इज व्हाट वी कॉल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. अगर आपके अंडर कोई सबॉर्डिनेट अच्छा काम नहीं करता तो आप हमें बताओ. हु विल टेल टू हूम? मिडल मैनेजमेंट विल टेल टू द टॉप मैनेजमेंट. या तो उस बंदे को वार्निंग दे दी जाएगी, अपने वर्क में इंप्रूवमेंट लेके आ, या उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल सच टाइप ऑफ फियर. When exist in the minds of our employees, they will be performing their best. क्योंकि उन्हें खतरा है, उन्हें organization में से निकाल दिया जाएगा या उन्हें suspend कर दिया जाएगा. So such type of fear will definitely boost them up. ये negative punishment है otherwise.
लेकिन दैट विल डेफिनेटली बूस्ट देम अप. दे विल बी परफॉर्मिंग देयर टास्क विद फुल डेडिकेशन एंड सिंसेरिटी. दिस इज व्हाट वी कॉल एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग अ रिलेशनशिप. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. यू टेल द नंबर वन पॉइंट टू व्हाट एक्सटेंड यू कंसिडर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आर कंपनी, फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन. क्या ऑर्गेनाइजिंग के बिना हम अपने गोल अचीव कर पाएंगे? तो मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स. अनलेस एंड अंटिल ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट देयर, अनलेस एंड अंटिल द वर्क इज नॉट बीइंग डिवाइडेड अमंग माय एम्प्लॉइज, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट द अचीवमेंट ऑफ माय गोल्स? बिकॉज इन प्लानिंग द गोल्स वर ओनली ऑन पेपर. अब हम लोगों ने डिक्टेट करने हैं वो गोल्स अपने वर्कर्स को, और वर्कर्स को बताना है यू आर हेयर फॉर हेल्पिंग अस टू अचीव आवर गोल्स. तो पहला पॉइंट हमेशा हर फंक्शन का यही बनता है मोर और लेस, दैट इज हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स. देन सेकंड ही मेड ऑफर्स द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग है तो स्पेशलाइजेशन होगी. हाउ कम? क्योंकि काम में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हुई है, उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग हुई है. जो बंदा जिसमें एक्सपर्ट था हमने उसे वही काम करने को दिया, तो डेफिनेटली वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. इफ आई एम रनिंग अ हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल आई एम रनिंग, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की डिग्री जिसके पास है उसे मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट वाला डिपार्टमेंट ही दूंगी. जो न्यूरो सर्जन है उसे मैं वही डिपार्टमेंट दूंगी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग. सिमिलरली इफ आई एम रनिंग अ स्कूल और कॉलेज, डेफिनेटली आई विल बी एलोकेटिंग द क्लासेस एज पर देयर एकेडमिक सब्जेक्ट्स. जो बंदा जिसमें एक्सपर्ट है उसे वही क्लास पढ़ाने को दी जाएगी. दिस इज व्हाट वी कॉल टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हाउ कम? What is the meaning of optimum utilization of resources? How organizing helps to get the optimum utilization of resources? Fully what? Okay, effective. Effective matlab time pe target achieve hona. Anything else? Wastage kam se kam hona. Cost kam se kam lagna. Aur jab bande experience hai kabhi wo waste karenge? मान लो एक मैंने फ्रेशर बंदा हायर कर लिया एंड आई पुट दैट पर्सन इन माय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ही डजंट नो हाउ टू इंसर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द मशीन. ही विल बी थ्रोइंग द मटेरियल ऑन द ग्राउंड एंड दैट इज बीइंग ब्रोकन इनटू सो मेनी पीसेस. यू कैन वेल इमेजिन उसने कितने पीसेस हमारे खराब कर दिए होंगे. यही अगर मैंने ट्रेंड बंदा हायर किया है, ही नोज द प्रोसेस, इवन ही टीचेस अदर्स. वो नए बंदों को सिखाता है, ठीक है, उसके अंडर में बाकी बंदों को ट्रेनिंग दिलवाती हूँ. तो यू कैन वेल इमेजिन हाउ Organizing is helping us. Organizing में मैंने duties ही उन बंदों को दी हैं जो expert हैं. जब वो expert हैं तो wastage कम से कम होगी, हमारा target achieve होगा और cost भी कम लगेगी. In that regard, we say it helps in optimum utilization of resources. Are you agreeing? Okay, done. आगे चलते हैं. Expansion and growth of the organization. How come? He says it helps in the expansion and growth. It helps in एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. कैसे? अगर वेल ऑर्गेनाइज है तो ग्रोथ हो जाएगी. इफ वी डिवाइडेड द वर्क इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उन्हें टारगेट दे दिए, तो कल को अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है आपके लिए कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं होगी. बिकॉज इन डिविजनल स्ट्रक्चर यू आर ऑलरेडी आर रनिंग सो मेनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सो मेनी डिफरेंट डिविजन्स. तो ऑर्गेनाइजिंग के कारण, क्योंकि सारा कुछ सिस्टमेटाइज वे में चल रहा है, तो आपके लिए एक्सपेंशन करना, आपके लिए ग्रोथ करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं हो. इजी अडेप्टेशन टू चेंज. इजी अडेप्टेशन टू चेंज. हाउ कम? आपने ग्रुप्स बनाए हैं, उस ग्रुप के लीडर हैं. कहीं पे 1000 बंदों को इकट्ठा समझाना कि हम सारा सिस्टम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, और कहीं पे हर डिपार्टमेंट में 100 बंदा है और एक उसका ग्रुप लीडर है. 100 बंदों को समझाना आसान है कि 1000 बंदों को समझाना आसान है? तो फिर हमने हर डिपार्टमेंटल हेड को बोल दिया तूने अपने ग्रुप को मैनेज करना, तूने अपने ग्रुप को इस चेंज के बारे में बताना है, तूने अपने ग्रुप को हर बंदे को मनाना है कि यस दिस चेंज इज बेनिफिशियल फॉर देम, अदरवाइज दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल प्रोटेस्ट अबाउट द चेंज. इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी. हम हमेशा यही मानते हैं जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने रहने दो. अगर कुछ चेंज होगा तो हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम आ सकती है. लेकिन वंस योर ग्रुप लीडर इज देयर टू कन्विंस यू एंड ही इज टेलिंग यू द बेनिफिट्स ऑफ द चेंज, देन डेफिनेटली यू गेट कन्विंस्ड. वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको इंस्पायर करता है. सो दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर.
अलग से एक टर्म है, एक टर्म इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। क्या डिफरेंस है दोनों में? Who will tell? Continuously you talk, continuously, चाहे वो accounts का period है, चाहे वो bachelor studies का period है, so you enjoy at your fullest extent, optimum utilization of time when you are sitting in the class. Yes, life ना मिलेगी दोबारा, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Okay, I was talking about one is organizing and another is organizational structure, दोनों में difference. Two terms we will read in this chapter, rather we are reading it, we are doing it. What is the difference between these two terms? Organizing is a process whereby this is being done, है ना? और organizational structure is a framework in which the duties are being decided. एक तरह का ये module है, और पंजाबी या हिंदी में बोलूं तो एक तरह का ये ढांचा है जिसमें आपको पता चलता है कौन किसका सीनियर है। अब मेरे स्कूल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, टॉप में मैनेजमेंट, सेकंड नंबर पे प्रिंसिपल, थर्ड नंबर पे स्टाफ, देन क्लेरिकल स्टाफ एंड देन ग्रुप डी। यू आर गेटिंग मी?